आज हम आपको लेकर चलते हैं मामा जी के पाकिस्तान में। चौंकिए मत, यह मामा शिवराज सिंह का पाकिस्तान है जो उन्होंने पवित्र नगर चित्रकूट में बना दिया है। यह जमीन का 200 मीटर का टुकड़ा ऐसा नासूर बना हुआ है चित्रकूट के वासिंदों और बाहर से आने वालों के लिए, जो भी यहाँ आता है वह इसे पाकिस्तान ही कहता है। मामला इस प्रकार है, उत्तर प्रदेश से आने वाली मुख्य सड़क पीली कोठी होकर फिर उत्तर प्रदेश में चोपड़ा मंदिर होते हुए खोई गांव जाती है। यह 200 मीटर का एरिया मध्य प्रदेश में आता है और उत्तर प्रदेश ने अपनी तरफ 4-लेन सड़कों का जाल बिछा रखा है, लेकिन 200 मीटर की यह रोड जो 20 साल पहले बनाई गई थी जलावर्धन योजना के लिए, इसको तोड़ दिया गया और उसके बाद इसकी रिपेयरिंग तक नहीं कराई गई। सड़क के किनारे नाली ना होने से बरसात का और लोगों के घरों से निकला हुआ पूरा पानी सड़क पर भर जाता है, जिससे सड़क पर मिट्टी डालकर बार बार बंद करने का प्रयास नगर पंचायत कर्मचारी करते हैं। यह वह स्थान है जहां उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग भी रहते हैं। वह अत्यंत धार्मिक हैं और रोज परिक्रमा भी करते हैं। यह एंट्री पॉइंट पीड़ी कोठी में अंदर जाने का है, जहां के हालत आप देख सकते हैं। यह इलाका वर्षों से ऐसा ही है, इसे आज तक बनवाने का काम कभी किसी ने किया नहीं। मामा जी के पाकिस्तान से निकलकर हम उनके पवित्र नगर की ओर जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर सड़कों में भारी मात्रा में पानी भरा हुआ है। अब उसके लिए ये है कि सरकार को इस ओर ध्यान तो है नहीं, सरकार अभी कोरोना में व्यस्त है, लेकिन अब लोग मरे तो मरे, आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, उसकी रिस्पांसिबिलिटी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। अब यह है कि रोजाना पानी भर जाता है, अब सरकार की जलावर्धन योजना केवल रोडों पे दिखाई दे रही है। भाई पानी तो मिल नहीं रहा ढंग से, लेकिन रोडों में पानी भरा हुआ है और सरकार को बिल्कुल पसीज नहीं रही है। तो हमारा निवेदन है कि कम से कम रोडों पर ध्यान दें, सरकार इस पर तवज्जो दे करके अपने अंडर में लेकर के ये रोड का निर्माण करवाए, ताकि आवागमन के सुगम साधन चित्रकूट में बन सके। चित्रकूट एक पवित्र नगरी है, बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, लेकिन कितना अपमानित महसूस करते हैं चित्रकूट के लोग ये रोड देख करके, ये हम ही लोग जानते हैं। तो अगर आप चित्रकूट आ रहे हैं तो बहुत संभल कर आइए, क्योंकि यहाँ की हर सड़क पानी से लबालब भरी हुई है। अब यही अपने आप को कोसते हैं कि काश हम लोग भी उत्तर प्रदेश के निवासी होते, यहाँ उत्तर प्रदेश ही होता तो शायद हमारे यहाँ भी चोकोलाइट व्यवस्था होती रोडों की, लेकिन हमारी तो ये दीन दशा कोई सुन नहीं सकता है। क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में हमारे पड़ोस में 100 मीटर दूर अच्छी अच्छी रोडें बनी हैं, हम लोग पानी में निवास करते हैं। अब ये सरकार हमारे यहाँ भी व्यवस्था करे मध्य प्रदेश की, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। यदि थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो कामदगिरी परिक्रमा प्रमुख द्वार जाने वाले रास्ते का हाल भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो पानी भरा है वह आसपास के घर वालों में रहने के लिए नासूर बन चुका है। गाड़ी आती है और तेजी से छींटे मारकर लोगों को भिगाती है, कभी कभी तो वाहन वाले खुद गिर पड़ते हैं। यह गायत्री मंदिर के ठीक पहले खुला मेन होल है, जिसमें कई बार लोग गिरकर घायल हो चुके हैं। ट्रक वगैरह जहाँ जो भी निकले ना, मिट्टी पड़ी हुई है, लोग घायल वायल हुए इसमें, कभी मोटरसाइकिल वाले या टैक्सी वाले? ऐसा कुछ नहीं। कब से खुला हुआ है ये? सालों हो गए, करीब सालों से खुला हुआ है। अधिकारी आते हैं, कोई ध्यान नहीं देता, इसको कभी बंद कराने का सोचा नहीं? अगर आपको लगता है कि यह समस्या वास्तव में चित्रकूट के लोगों की समस्या है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिल्ली, भोपाल, लखनऊ और पूरी दुनिया में फैलाने का काम करिए।